अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ कि आप फिनलैंड का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोग शेंगेन वीजा भी कहते हैं, अब विजिट वीजा भी कहते हैं। कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ, अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है और अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, अगर आप एंड तक देखिएगा तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा फिनलैंड के शेंगेन वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए लैपटॉप के स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले जान लीजिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी होने के लिए सिर्फ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए लास्ट 6 मंथ तक। आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। हम लोग सबसे पहले जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे VFS ग्लोबल। देखिए VFS ग्लोबल आ गया, यहाँ क्लिक कीजिएगा आप। तो हम लोग कौन से कंट्री जा रहे हैं, फिनलैंड जा रहे हैं। तो कहाँ से जा रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं, तो यहाँ इंडिया यहाँ टाइप करेंगे। अब जिस भी कंट्री से जा रहे हैं इस कंट्री का नाम यहाँ लिखिएगा, यहाँ फिनलैंड लिखिएगा। ठीक है, फिनलैंड का यहाँ दो तरीके से आ रहा है, एक फिनलैंड रेसिडेंस परमिट और एक आ रहा है फिनलैंड। तो इससे आप टूरिज्म वर्क वीज़ा मीन्स कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो आप फिनलैंड में यहाँ क्लिक कीजिएगा, टेक मोटो का वेबसाइट में जाइएगा। देखिए यहाँ आ गया, चार ऑप्शन, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर, प्रीमियम सर्विस। तो हम लोग सबसे पहले अप्लाई फॉर अ वीज़ा में जाएंगे, स्टार्ट नाउ में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दिया है, वीज़ा आइडेंटिफाई, वीज़ा टाइप, बिगिन योर एप्लीकेशन, बुक एन अपॉइंटमेंट, विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, पे योर फीस, ट्रैक योर एप्लीकेशन, कलेक्ट योर पासपोर्ट। देखिए यहाँ बोला रेडी टू अप्लाई, तो हम यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। यहाँ बोला है स्टार्ट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ क्लिक कीजिएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो अपना अकाउंट आपको बनाना होगा, क्रिएट अकाउंट करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा अकाउंट। मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो चलते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। कि जब आप अकाउंट बना लीजिएगा वहाँ, तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से बोलेगा कि आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यू कैन ऑल्सो डाउनलोड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड कम्प्लीट इट, मीन सबसे ज़्यादा ईजी यही वाला रहेगा। आप ये वाला में क्लिक कीजिएगा, ये वाले लिंक में, ठीक है। यहाँ आइएगा, यहाँ बोला है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इतने तरीके इतने लैंग्वेज में है, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, अप्लाई फॉर अ शेंगेन वीज़ा, तो इसमें क्लिक करेंगे। देखिए ये फॉर्म आ गया फिनलैंड का। तो सबसे पहले जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम लोग को पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना होगा। तो ये वाइट बैकग्राउंड और मैट फिनिश होना चाहिए। फिर आपको यहाँ अपना सर नेम देना है, यहाँ आप लिख सकते हैं जो भी है, अपना सर नेम दे दीजिएगा। फिर आप अपना यहाँ पे सर नेम, ये बेसिकली होता है मैरिड वोमेन के लिए, जिनका चेंज हो जाता है वो दे सकती हैं। अगर आपका नहीं है चेंज, अगर आपका वही है तो आप वही नाम यहाँ पे भी फिल कर दीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ फर्स्ट नेम देना होगा, सब आपके पासपोर्ट में ये सब मिल जाएगा। जब भी फॉर्म फिल करने बैठिएगा तो पासपोर्ट बगल में रखिएगा। अपना गिवन नेम दे दीजिएगा, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ कैसे दीजिएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पहले डे देना है आपको, फिर आपको यहाँ पे मंथ देना है, फिर आपको ईयर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ जहाँ आप पैदा हुए हैं उस जगह का नाम दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जिस भी सिटी में हुए हैं तो सिटी का नाम दीजिएगा। मैं कोलकाता में हुआ हूँ तो यहाँ कोलकाता लिखूँगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सब दिखा रहा हूँ, पर आप जहाँ हुए हैं उस जगह का नाम लिखिएगा। फिर यहाँ बोला है कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे इंडिया होगा, इंडिया में पैदा हुए हैं। तो यहाँ बोला है करंट नेशनैलिटी, यहाँ भी इंडिया होगा। फिर यहाँ बोला है नेशनैलिटी एट बर्थ, क्या आपका कोई और डिफरेंट है, तो अगर आपका नेशनैलिटी एट बर्थ इंडियन है तो इंडिया ही लिख दीजिएगा। अगर कुछ और रहता है, जैसे आप कोई और कंट्री में पैदा हुए हैं तो उस कंट्री का नाम यहाँ लिख। फिर यहाँ बोल रहा है अदर नेशनैलिटीज़ नो, आपके पास कोई और नेशनैलिटीज़ है नहीं तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल, आप जो है टिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ आपका बोल रहा है सिविल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स, जो भी है आप वो आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर ऐसे नीचे आइए, यहाँ पे बोल रहा है पेरेंटल अथॉरिटी, ये बेसिकली होता है माइनर्स के लिए, ठीक है।
अब माइनर्स वाले को क्या करना होगा, जो 18 के नीचे होते हैं माइनर्स, उनको सरनेम देना होगा, फर्स्ट नेम देना होगा, एड्रेस देना होगा, टेलीफोन नंबर देना होगा, ईमेल एड्रेस देना होगा और नेशनैलिटी बताना होगा अपने माँ बाप का, ठीक है। अब नीचे आएंगे हम लोग, नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ये बेसिकली होता है आपका आधार कार्ड नंबर जो 12 डिजिट का होता है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेर एप्लीकेबल, अगर आप चाहें तो। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट किस तरीके का है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, ऑफिशियल है, स्पेशल है, जैसा भी है आप उसको टिक कीजिएगा। बेसिकली सबका ऑर्डिनरी होता है तो ऑर्डिनरी में सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका कोई अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे टिक करके आपको बताना होगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मीन्स ट्रैवल, यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट का नंबर देना है, ठीक है। फिर बोला डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ है आपका पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट में सब दिया हुआ रहेगा फ्रंट पेज में, आप देखिएगा और फिल कीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ बोल रहा है नीचे कि एक्सपायर कब होगा, अब आपको वो बताना होगा जब एक्सपायर होगा। फिर देखिए यहाँ बोला इशू, कौन से कंट्री से इशू हुआ है, इंडिया से हुआ है तो इंडिया यहाँ लिख देंगे। अब थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ बोल रहा है इफ एप्लीकेबल, अगर है तो, मीन्स यहाँ पे बोल रहा है आपका कोई फैमिली मेम्बर है ईयू में, ईए में या फिर यूके सिटीजन कोई है अगर आपका, तो आपको बताना होगा यहाँ पे, अगर नहीं है तो स्किप कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे भी देखिए 18 नंबर में बोल रहा है कि इफ़ एप्लीकेबल, यहाँ भी बोल रहा है आपका कोई फैमिली रिलेशन रहता है ईयू में या कोई आपका मीन्स कोई आपका पर्सनल, जैसे आपका बच्चा हो गया, आपकी वाइफ हो गई या ग्रैंड चाइल्ड कोई है तो आप उसको बताइए, हाँ रहता है तो टिक करना होगा, नहीं रहता है तो छोड़ दीजिए। फिर नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पर बोल रहे हैं आपका एड्रेस और ईमेल एड्रेस यहाँ देना होगा, ठीक है। पहले एड्रेस दीजिएगा अपने घर का, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, अपना सही दीजिएगा। फिर अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो आपका मेन ईमेल एड्रेस है ना वही दीजिएगा, कि उसमें आपका सब कुछ मेल में आएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। फिर आप अपना टेलीफोन नंबर यहाँ दे दीजिएगा, जो आपका नंबर रहेगा एक्टिव नंबर। फिर यहाँ बोल रहा है कि रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन अ कंट्री इन करंट नेशनैलिटी, कि यहाँ पे है कि आप इंडिया में रह रहे हैं अभी या नहीं, अगर कोई और कंट्री में रह रहे हैं येस करके आपको बताना होगा यहाँ पे, अगर नहीं आप इंडिया ही में रह रहे हैं तो सिंपली नो यहाँ पे टिक कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए 21 ने बोला है करंट ऑक्यूपेशन, आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप बैंकर है तो बैंकर लिख दीजिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दीजिए, आप मीन्स जो काम करते हैं ना या किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं उस फॉर्म का नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैंकर लिखूंगा, बैंक में काम करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट के लिए क्या है, उनको कॉलेज का एड्रेस और फ़ोन नंबर देना है, अगर वो कॉलेज में है तो, अगर आप स्कूल में हैं तो आपको स्कूल का एड्रेस और फ़ोन नंबर देना है, ये हो गया। अब नीचे आएंगे थोड़ा, देखिए 23 में बोल रहा है पर्पस ऑफ योर जर्नी, आप क्यों जाना चाहते हैं, मेरा टूरिज़्म है तो मैं टूरिज़्म में यहाँ सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद बोल रहा है ऐड इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, आपका मीन्स यहाँ पर भी आप टूरिज्म ही लिख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग आएंगे, यहाँ बोल रहा है कि मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, मीन्स आप कहाँ जाना चाहते हैं, मेंबर स्टेट मेरा यहाँ फिनलैंड ही रहेगा। फिर यहाँ बोल रहा है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, फिनलैंड रहेगा, कि हम फिनलैंड ही सिर्फ जाएंगे और हमें कोई कंट्री नहीं घूमना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ बोल रहा है नंबर ऑफ एंट्री रिक्वेस्टेड, आपको कितने एंट्री चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए, टू एंट्रीज चाहिए या फिर मल्टीपल एंट्रीज चाहिए। मुझे सिंगल एंट्री चाहिए तो मैं सिंगल एंट्री में क्लिक करूँगा। फिर यहाँ बोल रहा है इंडियन डेट ऑफ अराइवल, मीन्स आप कब जाना चाहते हैं, जब भी मीन्स आप आइटनरी बनाइएगा ना उसी हिसाब से डेट दीजिएगा। अगर आपको आइटनरी नहीं बनाने आता है, मैं कंप्लीट एकदम ईजी वे में बताया हूँ आप आइटनरी और कवर लेटर कैसे बनाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट करना, 2 मिनट के अंदर में आप बना लीजिएगा अपना कवर लेटर और आइटनरी और
कभी मैं बोल रहा हूँ ना कि वो वाला कवर लेटर और आइटेनरी कभी रिजेक्ट नहीं होगा, आप जाके प्लीज चेकआउट करना। तो यहाँ पे आप अपना इंटेंट डेट बता दीजिए जब भी आप जाना चाह रहे हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ का, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा, पहले डेट देता हूँ 10 तारीख 7वां महीना 2024। मैं आपको सब एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, आप अपना आइटिनरी अच्छे से बनाइएगा। फिर रिटर्न कब होंगे हम लोग, 25। फिर 7th मंथ और 2024, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है नीचे कि क्या आप कभी फिंगरप्रिंट दिए हैं जाकर के शेंगेन वीज़ा के लिए, अगर दिए हैं तो यस करके आपको बताना होगा कब दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं फर्स्ट टाइम तो सिंपली नो कीजिएगा, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ बोल रहा है एंट्री परमिट फॉर फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, ये मीन छोड़ दीजिए ज़रूरत, जो वेयर एप्लीकेबल देखिए लिखा रहता है ना उसको ज़रूरत नहीं होता है देने का। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ बोल रहा है कि सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इनवाइटिंग पर्सन मेंबर स्टेट, इफ नॉट एप्लीकेबल नेम द होटल, अगर आपका कोई इनवाइट करने वाला है तो ठीक है उसका नाम दीजिए, अगर नहीं तो आप यहाँ होटल का भी नाम दे सकते हैं, जो हम लोग होटल बुक करते हैं ना आप उस होटल का नाम दे दीजिए। आप देख लीजिएगा जब भी आप बुक करिएगा तो ये बुक होता है booking.com से भी हो जाता है, वीगो से भी हो जाता है, आप जिससे करना चाहें कर लीजिए, फिर उसी का मीन्स आपको यहाँ नाम दे देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ फिनलैंड इन, आप पर सही सही नाम दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस दे दीजिएगा, जो फिनलैंड का होटल का एड्रेस आएगा सब आपको मिल जाएगा booking.com में, वहाँ से आप देख करके बस कॉपी और पेस्ट करना है आपको और कुछ नहीं करना है। देखिए ये एड्रेस हम दे दिए हैं, फिर यहाँ पे आप उस मीन्स होटल का टेलीफोन नंबर दे दीजिएगा जो भी रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी, अगर आप यहाँ होटल का दे दिए तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। नीचे आएंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड, मीन्स कौन आपका खर्चा उठा रहा है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ, या फिर कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपको, होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको बताना होगा। अगर आप खुद से जा रहे हैं तो यहाँ पे टिक करिएगा बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ, फिर आप क्या क्या लेके जा रहे हैं वो आपको बताना होगा, कैश क्रेडिट कार्ड, मैं जो जो कैरी करता हूँ वही बता रहा हूँ। फिर प्रीपेड अकोमोडेशन, फिर यहाँ अदर्स में क्लिक करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डेबिट कार्ड और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये हो गया यहाँ पे। यहाँ फिर बोल रहा है प्लेस एंड डेट, आप कहाँ से कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी जहाँ से भी आप अभी बैठे हुए हैं, जिस भी कंट्री में हैं, जिस भी स्टेट में, कंट्री का नाम, स्टेट का नाम लिखिएगा और नीचे डेट लिखिएगा, फिर यहाँ साइन कीजिएगा आप, ठीक है। अगर आप 18 से नीचे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का भी साइन करवाना होगा, अगर नहीं आप 18 से आप मैच्योर हैं तो अपना साइन करके प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल लीजिएगा, बस ऐसे ही होता है फिनलैंड का फॉर्म फिल। अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है जो आपको रखना होगा। देखिए हम लोग आ गए फिर से पहले वाले पेज में, आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वीज़ा टाइप में जाएंगे, नीचे आएंगे, देखिए शेंगेन वीज़ा आ गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, क्या है, तो ये वाले लिंक में हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कंट्री आप सेलेक्ट कीजिए, कौन सा कंट्री के, इंडिया यहाँ आप दे दीजिएगा, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, टूरिज़्म सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टूरिज़्म है हम लोग का, और फिर उसके बाद प्रिंट चेकलिस्ट कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब जो जो आपके पास है यहाँ पे यस और नो में बताना होगा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विथ फोटोग्राफ यस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में मीन्स आपका आप यहाँ पढ़ लीजिए वही पासपोर्ट यस, अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो गया, ये सब, शेंगेन वीज़ा हो गया, यहाँ पढ़ लीजिएगा,
ये अगर है यस ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस यस, प्रूफ ऑफ आइटिनरी मीन्स होटल बुकिंग ये सब यस, फ्लाइट रिजर्वेशन जो होता है वो मीन्स आप यहाँ पढ़ लीजिएगा यस नो में आपको करना है, फिर आपको अपना सिग्नेचर देना है यहाँ पे, फिर आपको ये दो, फिर ये ऑफिशियल यूज़ है, इसको छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, यही है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। अब मैं आपको बताऊँगा अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कंप्लीट डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। फिर हम लोग आएंगे अब यहाँ पे मेन पेज में, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना बुक एन अपॉइंटमेंट, व्यू मोर में जाएंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बुक नाउ लिखा हुआ है, बुक नाउ में जाएंगे, ये देखिए ये आ गया साइन इन करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं तो आपको अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट बनाने के लिए आई डोंट हैव एन अकाउंट में आपको क्लिक करना होगा, देखिए ये आ गया क्रिएट एन अकाउंट। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है, पासवर्ड देना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, फिर नंबर देना है अपना जो आपका मेन नंबर है, कंट्री कोड दे करके, फिर आई एग्री करके रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद ना क्लिक है यहाँ पे टाइप कीजिएगा, आपको एक मेल आएगा, ठीक है, आपके मेल में अप्रूवल के लिए, वहाँ बस आपको एक्टिव में जाए क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइड में, तो हम लोग सिंपली साइन इन करेंगे। अब देखिए ये आ गया है, अब हम लोग को यहाँ से स्टार्ट न्यू बुकिंग में जाना है। यहाँ देखिए बोल रहा है 6 सेंटर है, 6 सेंटर है फिनलैंड का, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में। तो हम कोलकाता से, तो कोलकाता सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कुछ आपका सिटी यहाँ पे नहीं है ना, तो जो करीबी सिटी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से आप जाकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं कोलकाता कहूँ तो कोलकाता सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए आप चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी, ठीक है, वीज़ा यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे बोल रहा है चूज योर सब कैटेगरी, तो मेरा क्या है, मेरा टूरिज्म है, टूरिस्ट, मैं टूरिस्ट सेलेक्ट करूँगा। देखिए मुझे आ गया एक डेट, मुझे मिल गया 24 तारीख का, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे आपको अपना डिटेल देना होगा, यहाँ पे जो आपके पासपोर्ट में जो जो नाम है ना वो एकदम सही से आपको करेक्ट देना होगा। देखिए यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, इफ़ एनी डिटेल इंटर बाय यू एंड फाउंड इनकरेक्ट योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एट VAC। एकदम सही से फिल कीजिएगा जो आप फॉर्म में फिल किए हैं, तो अपना नाम दे दीजिएगा, फर्स्ट नेम जो है आपका वो दे दीजिएगा, लास्ट नेम आप दे दीजिएगा अपना, नेशनैलिटी इंडिया तो इंडिया यहाँ कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दे दीजिएगा जो आपका पासपोर्ट नंबर है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, जिससे आप रजिस्टर किए हैं वही नंबर दीजिएगा, क्योंकि बहुत आपका मीन्स इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आपका ईमेल एड्रेस रहेगा, सेव कर दीजिएगा, सॉरी मैं यहाँ कंट्री कोड देना भूल गया था, सेव कर दीजिएगा, कंट्री कोड दे दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए टोटल अमाउंट बता दे रहा है 2623 रुपीस लगेगा आपका ये इसमें, ठीक है, तो आप यहाँ कंटिन्यू कीजिएगा। फिर जनरेट करेगा एक OTP जो आपके नंबर पे आएगा, ठीक है, आपके फ़ोन में जो आप नंबर दिए हैं उसमें आएगा, ठीक, तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस में भी आ सकता है, ये लोग किसी में ही भेज सकते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों लिखा हुआ है। अब एक बार ईमेल एड्रेस में देख ली, देखिए ईमेल एड्रेस में भेजे हैं ये लोग, तो जो OTP है मैं उसे कॉपी करके सिंपली वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे पेस्ट, वेरीफाई कर दीजिएगा, हो गया। अब कंटिन्यू में आप क्लिक कीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए ग्रीन वाला अवेलेबल है, ब्लैक वाला अनअवेलेबल है, तो देखिए ये 3 डेट है, 25, 26, 27, ठीक है, तो आप जो सभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको मीन्स सुइटेबल हो। फॉर एग्जांपल 25 को सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आएंगे देखिए आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ठीक है, जिसमें आप अवेलेबल हैं, तो यहाँ 12:30 बजे का सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, ये आ गया आपका एप्लीकेंट का सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा जो जो आप मीन्स यहाँ पे फिल किए हैं, ठीक है, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड यस करके पे ऑनलाइन में कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। ये देखिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं पे यहाँ पे, फिर आप
पे नाउ में करके अब यहाँ पर अपना कार्ड नंबर सब कुछ देना होगा। पे नाउ कीजिएगा, आपको एक स्लिप मिलेगा या आपके मेल में आ जाएगा या आपके फ़ोन नंबर पे आ जाएगा, उसको अटैच कीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आप ले जाइएगा ना VFS, तो ये वाला एकदम बहुत ज़रूरी है। इसको अगर नहीं ले जाइएगा तो बोले आपको एंटर नहीं होने देंगे, बोले बोलेंगे नहीं हुआ है बुकिंग। तो एकदम इसका जो स्लिप रहेगा ना वो अपने पास रखिएगा, जो भी ये कैश आपका डेबिट होगा मीन्स कटेगा वो आपको दिखाना होगा वहाँ पे कि हाँ मैं फ़ी पे करके आया हूँ। बस इतना ही था फिनलैंड का वीज़ा, मैं A to Z आपको बता दिया हूँ फिनलैंड वीज़ा को लेकर के। यहाँ तक आप लोग अगर पहुँचे हैं या आप अप्लाई कर दिए होंगे या आप जान गए हैं कैसे आपको अप्लाई करना है फिनलैंड का टूरिस्ट वीज़ा। अब हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, सबसे पहला होता है आपका पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी लास्ट 6 मंथ तक होनी चाहिए। उसके बाद आपका फिनलैंड का फॉर्म जो आप फिल किए थे उसको साइन करके अपने पास प्रिंट आउट करके रखिएगा। उसके बाद आपको लगेगा पासपोर्ट साइज फोटो 2, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और मैट फिनिश। उसके बाद आपको लगेगा ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का आप करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको लगेगा बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का। उसके बाद आपको लगेगा होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, कवर लेटर और आइटिनरी। अगर आपको नहीं आता है बनाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इससे ही आपको वीज़ा मिलेगा या फिर रिजेक्ट होगा। अगर ये सही नहीं बनेगा तो इससे वीज़ा आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर आपको नहीं आता है बनाने, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, मैं कंप्लीट डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप जाके चेकआउट करें। आप 2 मिनट के अंदर में कवर लेटर बना लीजिएगा, बहुत ईजी और बहुत सिंपल वे में, और वो रिजेक्ट भी नहीं होगा। उसके बाद आपको लगेगा ITR 3 साल का। अगर आप कहीं कोई कंपनी में काम करते हैं तो आपको पे स्लिप लगेगा 3 महीने का। तो ये था डॉक्यूमेंट जो आपको देना होगा फिनलैंड के टूरिस्ट वीज़ा शेंगेन वीज़ा के लिए। अब बात करेंगे फीस कितना है। देखिए, अडल्ट के लिए 90 यूरोज है और जो 6 से 12 साल हैं उनके लिए 45 यूरोज है और जो उससे भी नीचे हैं उनके लिए फ्री है। तो ये था कंप्लीट डिटेल फिनलैंड के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।